आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टी वी। मैं हूँ ज़ुबैर कुरैशी और आज के अहम मौजूआत हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। जनूबी कश्मीर में फोर्सेस ऑपरेशन, पुलिस ने किया दो जंगजुओं के जांबहक होने का दावा। डाउनटाउन श्रीनगर में आग की वारदात, 6 रिहायशी मकान खाकस्तर। और जनूबी कश्मीर से अगवा हुई दो लड़कियों को आज पुलिस ने किया बाजियाब, एक शख्स गिरफ्तार। और अब मौजूआत की तफसील। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों बशमूल सियाहती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम की इस करवट से सर्दी में कदरे इजाफा दर्ज हुआ है। शहर श्रीनगर और दीगर मज़ाफात में नाकस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से पानी सड़कों पर भराया है, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 15 मार्च तक बर्फबारी मुतवक्का है और 11 से 13 मार्च के दरमियान मौसम ज़्यादा ख़राब रहने का इम्कान है। पुलिस ने दावा किया है कि जनूबी ज़िला अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान दो जंगजू जांबहक हुए हैं। यह ऑपरेशन गुज़श्ता शाम गंदीपुरा गाँव में पेश आया, जिस दौरान जंगजू और फोर्सेस के माबैन मोर का आरई का आगाज़ हुआ। इन बातों की जानकारी पुलिस के एक तर्जुमान ने ट्वीट के ज़रिए दी। अनंतनाग पुलिस की हमारी टीम के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आई थी दो आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में। उस इनपुट के आने के बाद हमने इंडियन आर्मी की 3 RR और CRPF की लोकल यूनिट को साथ लेकर गांव कंडीपुरा अनंतनाग में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह के भी कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन खींचा। इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो अंदर आतंकवादी थे उनको मौका दिया, अनाउंसमेंट्स की कि आप सरेंडर करें, बिकॉज हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि लड़कों को किसी तरीके से बचाया जाए, बट दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड दे फायर्ड अपॉन आवर पार्टीज। उसके बाद पूरा ऑपरेशन आज सुबह अब कंक्लूड हुआ है। दो आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के इसमें मारे गए हैं, आइडेंटिटी उनकी अभी असर्टन की जा रही है और वेपन्स और अदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन की रिकवरी हुई है। थैंक यू। डाउनटाउन श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में गुज़श्ता रात आग की एक वारदात के नतीजे में 6 रिहायशी मकान तबाह हो गए। आग दौरान शब तकरीबन 4 बजे के आसपास एक मकान से जाहिर हुई, जिसने फैलकर 5 दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम PG 6 सेमेस्टर के तलबा ने आज यूनिवर्सिटी हुकाम के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। तलबा यूनिवर्सिटी हुकाम से 6 सेमेस्टर का इम्तहान दोबारा लिए जाने से नालां थे। उनका कहना था कि अगर हमने ये इम्तहान दिया है तो इसे दोबारा लेने का क्या मकसद है। हमने 5 फरवरी को अपना एग्जाम दिया है, सब खत्म हो गया एग्जाम। PG 6 2017 हमने अपना एग्जामिनेशन सारा 5 फरवरी को खत्म किया। आफ्टर दैट इंसान अपने अपने जो फर्दर स्टडीज के लिए आधे स्टूडेंट्स आउटसाइड कश्मीर गए हैं, आधे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पे गए हैं। और कल 1 महीने और 6 दिन या 5 दिन के बाद यूनिवर्सिटी वाले नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि आप लोग रीअपियर हो जाइए एग्जामिनेशंस में, स्किल के कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें सेरिकल्चर, जिसके लिए हम खास तौर पर यहाँ पे आए हैं, सेरिकल्चर में आप लोग रीअपियर हो जाइए जिसमें ऑलरेडी हमने एग्जाम दिया है। और रीजन उन्होंने ये दिया है कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, उस वजह से हम लोग रीअपियर ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बल्कि जो पेपर हुआ था वो बहुत ही पूरा हर एक हद तक 110% सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। अब जब इंसान जिस पॉइंट पे गवर्नमेंट को या कॉलेज वालों को या यूनिवर्सिटी वालों को डिग्री के लिए हाथ दे रहे हैं, उस पॉइंट पे ये लोग हमें डेट शीट थोप रहे हैं। ये सिंपली थोपना हुआ, जिस पॉइंट पे हम इंसान बिल्कुल भी ना ही मेंटली ना ही फिजिकली रेडी है एग्जामिनेशन देने के लिए। हम लोग PG के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम लोग बाकी एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से कल सडनली देखा गया कि एक नोटिफिकेशन हुआ कि ट्यूसडे के दिन आप लोगों को एग्जामिनेशन हो रहा है। हमारी सिंपल ये डिमांड्स है कि हम एग्जामिनेशन नहीं दे रहे। अगर किसी का हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स इनको है या क्या है, वो इनका मसला है, हम उसमें सफर नहीं होना चाहते हैं।
मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहलाने इस्लाम में जोश खरोश है। तहम कोरोना वबा के पेश नज़र वक्फ बोर्ड ने आसार शरीफ हजरत बल जनाब साहब सोहरा और आसार शरीफ कलाशपुरा में आज रात होने वाली शबेदारी मनसूख की है। अलबत्ता कल 5 औकात की नमाजों पर मोई मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत से फर्जंदान तौहीद को फैजियाब कराया जाएगा। इधर कई लोग वक्फ बोर्ड के इस फैसले से नाला हैं। उनके बकौल कोविड-19 के रहनुमा खतूत के मुताबिक शबेदारी होनी चाहिए थी। देखिए, दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी तकरीब शब मेराज के अहवाल से होती है पूरी वादी कश्मीर में। जैसा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मास मीडिया में भी ऐलान किया है कि 5 वक्त कल जुम्मा को और उसके बाद मोई मुकद्दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही यहाँ पे की जाएगी। इसमें हर कोई सरकारी महकमा, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या आप देख रहे हैं कि बाकी महकमे, से महकमे सेहत है, महकमे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बाकी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं, अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पर आए इस मौके पर ज़ियारत करने के लिए आए और नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का यहाँ पे पेश ना आए, उनके लिए इंतज़ामिया की तरफ से पूरे पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर में इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ का खसूसी अहतमाम किया गया। याद रहे कि हिंदू अकीदे के मुताबिक शिवरात्रि का त्यौहार, जिसे वादी में उर्फ आम में खैरत के नाम से पुकारा जाता है, अवतार शंकर और पार्वती की शादी के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान शंकराचार्य मंदिर में शिवरात्रि के सिलसिले में पूजा पाठ की खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अमन व आश्ती के लिए खसूसी दुआएँ मांगी गई। और आखिर पर यह खबर है कि जनूबी ज़िला शोपियाँ के जैनपुरा इलाके से कल अगवा होने वाली दो नाबालिग लड़कियों को आज पुलिस ने श्रीनगर से बाजियाब किया। इस ज़िम्न में एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी रबते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।